धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नाट्य मंडल को जितनी तेजी से चलाने का हमने सोचा था, थोड़ा टीम टूट जाने की वजह से थोड़ा सा पीछे लगे रह गए हैं। उतना तेजी से नहीं हो पाया, लेकिन हमने खाली जो हमारा एक नाटक है जिसका हम लोग लगभग 100 करके एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 45 हमारे हो चुके हैं। रिफंड एक जो फेमस नाटक है जिसको 3 भाषाओं में किया जा चुका है, लेकिन पिछली बार फिर भी हमने गतिविधियां जारी रखी। जैसा कि सबके कंधे पे कोरोना का बहाना था तो हमारे पास भी था, हमने उस कोरोना में एक नाटक को इंटीमेट थिएटर की तरह प्रस्तुत किया। इंटीमेट थिएटर यानी जहां कम लोग आके देखें और कोरोना से किसी को परेशानी भी ना हो। तो पिछली बार एक समारोह किया गया जो फेसबुक पे लाइव भी हुआ था और लगातार 3 दिन हमने ये नाटक किए थे। प्रपोजल, रिफंड और राम मिलाई जोड़ी करके 3 नाटक किए पिछली बार मार्च में हुए थे। उसके बाद हमने टीम को बढ़ाने के लिए 1-2 कार्यक्रम चलाए कि हम लोग जहां भी जिस संस्था में भी जाएं उनके साथ एक MOU साइन करें। ज्यादातर जहां मैंने पढ़ाया है, मैं मास्कॉम का प्रोफेसर हूं, तो DBS में हमने इस तरह के उनके साथ सहयोग करके कार्यशाला भी करी और नाटक भी करे, जिसमें इंस्पेक्टर माता दीन, जामुन का पेड़, प्रपोजल, इस तरह के 3 नाटक DBS के साथ करे। और अभी मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आ गया हूं, तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में भी हमने शुरू कर दिया है। वहां अब तक उनके साथ सहयोग करके 3 नाटक हम कर चुके हैं। और अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के लिए वहां पर पहचान नाम का नाटक किया जो ट्रांसजेंडर की कहानी पर आधारित था। हालांकि वो इधर नहीं दिखा पाए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है और उनका वो सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोगों को वहां उनका ऑडिटोरियम मिल जाता है और बच्चे मिल जाते हैं, इससे टीम थोड़ा आगे बढ़ जाती है। और पिछले दिनों जुलाई में, 4 जुलाई को एक दुर्घटना हमारे टीम मेंबर पंकज चुनियाल जी की आकस्मिक मृत्यु की वजह से हुआ, उस वजह से हमारी टीम बिल्कुल टूट गई। उनके साथ हमारा एक नाटक तैयार था जो बल्कि उन्होंने यहाँ पे एक्ट भी किया था, उसको ताजमहल का टेंडर हमने यहाँ किया था, तो पंकज जी ने उसमें 2 रोल निभा के हमने ग्रैंड रिहर्सल की तरह शो किया। वो बिल्कुल तैयारी थी लेकिन वो तैयारी बीच में रह गई। लेकिन अब आगे आने वाला इस बीच एक और चीज जो थोड़ी सी उभर के आई कि हम नाटकों को थोड़ा कॉमर्शियल या व्यावसायिक तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें हमारे को जीवा हाउस नाम का एक कॉफी हाउस है राजपुर रोड पे, उसने हमको साल में अभी 2-3 बार मौके दिए हैं। हम वहां 3 नाटक कर चुके हैं, वो हमें रिफ्रेशमेंट के साथ साथ हमको कुछ अमाउंट भी देता है। वो इतना भारी अमाउंट नहीं है लेकिन वो हमारे लिए इतना ठीक है हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो जीवा हाउस में हम 3 शोज कर चुके हैं अब तक, यही प्रपोजल और क्या कहते हैं रिफंड। अगले इस साल दोबारा से हम लोग विश्व रंगमंच की तैयारी में 27 मार्च, वो सेम वही उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बच्चों के सहयोग से और हमारा को धात नाट्य मंडल उसमें करेगा। 27 मार्च को 2 नाटक करने की तैयारी है और उससे बड़ी एक तैयारी हम लोग 4 जुलाई से पहले कर लेंगे। हम लोग पंकज उनियाल स्मृति समारोह में करने जा रहे हैं, तो उसमें 2 बड़े नाटक होने हैं और वो उसमें कोशिश करना है कि हम लोग वो म्यूजिकल हो, संगीतमय नाटक हो, जिसका बजट भी बड़ा है। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, उसके प्रपोजल मैं आप सबको बता दूंगा किस तरह से हम उसका बजट इकट्ठा करने वाले हैं। वो हमारे पंकज भाई, पंकज उनियाल जी की स्मृति भी किया जाएगा। वो सिर्फ उस पूरे समारोह का नाम ये रखने वाले हैं पंकज के बहाने, तो खाली हम पंकज जी की स्मृति नहीं कर रहे हैं, हमारे देहरादून के जितने भी थिएटर ग्रुप्स में जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, काफी अच्छे लोग थे, अच्छे डायरेक्टर थे, सुरेंद्र भंडारी जैसे लोग थे, जो वो किसी भी रंगमंडल से हो, हम उस समारोह में उन सबको याद करेंगे। और एक डॉक्यूमेंट्री उसकी तैयारी चल रही है कि हम लोग पूरा हमारे रंगमंडल की कहानी, देहरादून में जितने रंगमंडल है उनकी कहानी, और हम अपने संपूर्ण धात की स्टोरी को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस समारोह में। लेकिन ये समारोह मई जून में होना है, पहले हम उसको विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को एक करने वाले हैं। बाकी आप सबका सहयोग चाहिए। अभी विकास सर ने कहा था कि वो जो बच्चों के लिए आप वो वर्कशॉप करेंगे सर, उसमें हम लोग धात नाट्य मंडल आपका सहयोग करेगा बच्चों के लिए वर्कशॉप, ने पहले भी किया था उधर सारी में जब हम लोग गए थे। और अब की बार बच्चों से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम होगा धात नाट्य मंडल आपके साथ है। और हमारे को एक स्कूल भी मिल गया जो हर बार में हम रंगमंच कार्यशाला करते हैं, पिछले 1 साल से छूटा हुआ है, वो मोकमपुर में एकेशिया पब्लिक स्कूल करके, तो वो लोग वो इंटरेस्टेड भी है और हमारे अच्छा जानकार है, तो इससे हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे एक बच्चों का एक विंग जो है अलग से तैयार किया जा सके। धन्यवाद।